राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के बैनर तले सिरोही जिला मुख्यालय पर युवा मित्रों ने इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने की मांग का मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन में युवा मित्र ने बताया कि वर्ष 2021 और 22 में राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 5,000 की संख्या में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वर्तमान में सभी राजीव गांधी युवा मित्र विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मोदी जी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर के आदेश के अनुसार लगे हुए थे। गत 25 दिसंबर की शाम को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक ने आदेश जारी किया, जिसमें इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया है। ज्ञापन में बताया कि युवाओं के साथ बहुत ही कुठाराघात हुआ है। राजीव गांधी युवा मित्रों के 5,000 परिवारों का रोजगार इस प्रकार से छीन लिया जाता है तो ये परिवार सड़क पर आ जाएंगे और उनके आमदनी का जरिया भी उनसे छिन जाएगा। इसलिए उन सभी 5,000 परिवारों की तरफ से उनका कहना है कि युवा मित्रों के इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखा जाए। इस अवसर पर काफी संख्या में राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।